नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर लखनऊ से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में नए साल पर 28 भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को पदोन्नतियां व 10 भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को सिलेक्शन ग्रेड दिया जा रहा है। इसी कड़ी में शासन द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक को पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षकों को अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस उप महानिरीक्षकों को पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षकों को पुलिस उप महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षकों को सिलेक्शन ग्रेड वेतनमान पर पदोन्नति के आदेश निर्गत किए गए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय पुलिस सेवा के पदोन्नत अधिकारियों में से एक अपर पुलिस महानिदेशक अविनाश चंद्र को पुलिस महानिदेशक, 4 पुलिस महानिरीक्षकों को क्रमशः सर्वश्री नवीन अरोड़ा, मोहित अग्रवाल, गजेंद्र कुमार गोस्वामी एवं भजनी राम मीना को अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। इसके अलावा 3 पुलिस उप महानिरीक्षकों डॉक्टर प्रतिनिंदन सिंह, श्री लव कुमार एवं चंद्र प्रकाश को पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। बलिया में धान क्रय केंद्र पर किसानों की खरीदारी नहीं करने से नाराज किसानों ने सड़क जाम कर दी। बासंडही तहसील क्षेत्र के केवरा धान क्रय केंद्र में खरीदारी नहीं होने पर भाजपा नेत्री केतकी सिंह क्रय केंद्र पर पहुंच गई। क्रय केंद्र पर केंद्र प्रभारी के नहीं होने पर उन्होंने उनको फोन किया और फोन लगाकर उनको फटकार लगाई। साथ ही केतकी सिंह ने केंद्र प्रभारी पर धन उगाही का भी आरोप लगाया है। तो तस्वीरें बलिया से हैं जहां पर नाराज किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया। आपको बता दें कि इसके बाद बीजेपी की नेता केतकी सिंह क्रय केंद्र पर पहुंच गए और क्रय केंद्र पर पहुंचने के बाद केंद्र प्रभारी के वहां मौजूद ना होने पर उन्होंने केंद्र प्रभारी को फोन लगाया और फोन लगाकर जमकर फटकार लगाई। हम लोगों की समस्या है कि हम लोगों का धान यहाँ पे क्रय नहीं किया जा रहा। कहाँ पे? बांसडी के बांसडी विपणन विभाग बांसडी के केवरा क्रय, जो कि केवरा में स्थित है। यहाँ पे क्या अभी हुआ है आप लोगों के साथ? अभी हम लोगों का धान लेने से मना कर रहे हैं। टोकन वाले भी धान नहीं ले रहे हैं, ये कह करके कि मोटा धान नहीं लिया जाएगा। अच्छा, तो अभी आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग जब तक धान नहीं लिया जाएगा तब तक चक्का जाम करेंगे, शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करेंगे और हम लोग बाध्य करेंगे कि हम लोगों का धान क्रय किया। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पे दौड़ रहे हैं अपने धान क्रय के लिए? हम तो कम से कम एक महीना से हम लोग दौड़ रहे हैं। उसके पहले से भी किसान यहाँ, जो कि आप माननीय अमरजीत सिंह जी हैं, इनका एक महीने से अधिक का शुरुआत के दिनों से इनका नंबर लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद के लोगों का क्रय हो गया, अभी तक इनका क्रय नहीं हुआ। आखिर क्या ऐसा कारण, इनको यहाँ के जो अधिकारी है उनका क्या कहना है, आखिर क्यों नहीं? ये कह रहे हैं कई तरह से एक तो झांसा दे करके कि आज लेंगे कल लेंगे परसों और अगले दिन आइए, इस तरह से करके और उसके ना उसके उसके बाद ये फिर हम लोग लेके आते हैं तो फोन से ही अगर वार्ता होती है, फोन पर भी या यहाँ आने पर भी कह देते हैं कि मोटा धान है तो नहीं लिया जाएगा। जब आप लोग महीने दिनों से दौड़ रहे हैं उसके बावजूद आप लोगों की खरीदारी नहीं हो रही, तो फिर कौन से लोगों की ये खरीदारी हो रही है यहाँ पे? अब तो ये वही जाने जिनका नंबर महीने दिनों के पहले, जिनका नंबर शुरुआती दिनों में लगा है उनका अभी तक नहीं लिया गया, उसके बाद के नंबरों का ले लिया गया, तो इसमें क्या समझा जाए? आखिर किन लोगों का धान क्रय यहाँ पे किया जा रहा है आप लोग महीने दिनों से? किसानों के नाम पे या बिचौलियों का लिया जा रहा है, किनका लिया जा रहा है यही जाने, लेकिन जो लोग पहले से नंबर लगाए हैं उनका नहीं लिया जा रहा है। और बीच में जो लोग आ करके अब जिस तरह से उनसे वार्ता करके दे देते हैं, बिचौलिए ये बिचौलिए हों, बनिए हों, जो भी हों, अब उनका लिया जा रहा है, अब पहले के लोगों का नहीं लिया। तो अभी आप लोग क्या करेंगे? अभी आप लोगों का क्रय नहीं हो रहा है? हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, शासन का ध्यान आकृष्ट करेंगे कि हम लोगों का धान क्रय किया जाए। और मुझे विगत 10 दिनों से तकरीबन यहाँ से सूचना मिल रही थी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आज मैं स्वयं आकर देखना चाहती थी कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है कि बार बार किसान यहाँ के कंप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग पहुँचे और यहाँ पे जो अधिकारी थे वह थे नहीं, वह कहीं निकले हुए हैं, किसी आजमगढ़ मंडल में निकले हुए हैं। तो यहाँ पे जो सबॉर्डिनेट्स थे उनसे मेरी बातचीत हुई। किस तरह की गड़बड़ी पाई जा रही है? देखिए, इसमें बार बार उनके ऊपर यह यहाँ के लोग किसान यह आरोप लगा रहे थे कि वह प्रति ट्रॉली 1,000 रुपये लेने का काम कर रहे हैं और उनकी मिलरों के साथ किसी तरह का कुछ साठगांठ हो गया है, जिसकी वजह से वो किसानों का धान नहीं खरीद रहे, मोटे अनाज के नाम पर उनको परेशान कर रहे हैं कि तुम्हारा मोटा अनाज है, और बिचौलियों से वह लेने का अनाज खरीदने का काम कर रहे हैं। वही बस्ती के हरैया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। हरैया और एसओजी की संयुक्त टीम को इसमें सफलता हाथ लगी है। दरअसल पकौलिया में हनुमान मंदिर से बदमाशों ने मुकुट चोरी किया था।
मुकुट चोरी कर नेपाल में अर्जुन नाम के व्यक्ति ने उस मुकुट को बेच दिया था। वहीं इस मुठभेड़ में बदमाश अर्जुन प्रसाद के पैर में गोली लगी है। अर्जुन के ऊपर आधे दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ के बाद अर्जुन और उसके साथी दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 12 बोर का एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। तो बस्ती में आज पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपी अर्जुन, उसने एक मंदिर से, हनुमान मंदिर से मुकुट चोरी किया था, जिसको वो नेपाल में बेचने की फिराक में था, जिसको लेकर आज मुठभेड़ हुई। और मुठभेड़ के बाद अर्जुन को और उसके एक अन्य साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बस्ती जिले के जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने जिले की आशाओं को स्मार्टफोन वितरित किए हैं। डीएम ने 8000 आशाओं को स्मार्टफोन वितरित किए। इस फोन से आशाओं को स्वास्थ्य सुविधा की जानकारी तुरंत मिलेगी, साथ ही मरीजों को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल तक पहुंचाने में भी स्मार्टफोन सहायता करेगा, मतलब मदद करेगा। वहीं स्मार्टफोन के द्वारा स्वास्थ्य विभाग की सारी जानकारियां आशाओं को मिलती रहेंगी। डीएम कार्यालय में डीएम ने वितरित किए स्मार्टफोन 8000, तो 8000 आशाओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। ये स्मार्टफोन मदद करेंगे आशाओं को अपने काम करने में। तो डीएम कार्यालय में डीएम ने स्मार्टफोन को वितरित किया है, 8000 स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं आज डीएम की तरफ से। ये जो फोन वितरित किए गए हैं, ये आशाओं को काफी चीजों में मदद करेंगे, जिसके बारे में बताते हैं कि आशाओं को जो स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं, ये उनको स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी इसके जरिए तुरंत मिल सकेगी, साथ ही मरीजों को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल तक पहुंचाने में भी स्मार्टफोन सहयोग करेगा, सहायता करेगा। वहीं स्मार्टफोन के द्वारा स्वास्थ्य विभाग की सारी जानकारियां आशाओं को मिलती रहेंगी। तो ये बस्ती के डीएम कार्यालय की तस्वीरें हैं, जहां पर 8000 आशाओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं, जो उनकी समय समय पर कई चीजों में मदद करेगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, डीएम सौम्या अग्रवाल जो कि आशाओं को स्मार्टफोन वितरित करते हुए नजर आ रही हैं। 8000 की संख्या में आज स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। तो डीएम सौम्या अग्रवाल ने स्मार्टफोन वितरित किए हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा इसको भी सुनवाते हैं। ये जो आशा कार्यकर्ती लगातार स्वास्थ्य सेवाएं निर्गत करती रहती हैं, उसके क्रम में राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी सारी आशा कार्यकर्ती हैं, 8000 आशा कार्यकर्ती हैं जनपद में, उनको आज प्रतीकात्मक रूप से जनपद स्तर पे एक वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और ये आगामी दिवसों में पूरे जनपद में सारी आशा कार्यकर्तियों को मोबाइल फोन दिया जाएगा। प्रदेश में आशाओं की कार्यक्षमता में वृद्धि एवं गुणवत्ता को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से 31 दिसंबर 2021 को यूपी सरकार द्वारा लखनऊ में आशा सम्मेलन कार्यक्रम में आशाओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। इसी क्रम में आज जिला पंचायत बुलंदशहर सभागार में यूपी प्रभारी मंत्री अशोक कटारिया की उपस्थिति में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में आशा सम्मेलन कार्यक्रम में वितरित किए गए स्मार्टफोन का सजीव प्रसारण भी किया गया, जिसे जनपद की विभिन्न ब्लॉकों से आई आशाओं के द्वारा देखा गया। उत्तर प्रदेश में 80000 आशाओं को स्मार्टफोन का वितरण किया गया है। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री सहित जनपद सांसद डॉक्टर भोला सिंह, अध्यक्ष जिला पंचायत डॉक्टर अंतुल तेवतिया, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी, सीएमओ डॉक्टर विनय सिंह द्वारा भी आशाओं को स्मार्टफोन का वितरण किया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, नए साल की शुरुआत उत्तराखंड कांग्रेस सामूहिक उपवास के साथ करेगी। जी हां, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया है कि कल यानी 1 जनवरी 2022 को महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, दलित उत्पीड़न तथा पेंशनधारियों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किए जाने के विरोध में कांग्रेस जन गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठेंगे। वहीं राज्यवासियों की खुशहाली के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सुबह 11 बजे से सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। इस दौरान गणेश गोदियाल ने भाजपा सरकार पर आजीविका योजना बंद करने, 400 कर्मचारियों को 2 माह से वेतन न मिलने के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे, राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की मांग, पीआरडी जवानों की लंबित मांगों,
उत्तराखंड सचिवालय संघ के कर्मचारियों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मियों, राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक एवं सेवक संघ की मांगों के साथ ही बेरोजगार एवं फार्मासिस्टों, रोडवेज कर्मचारियों, जल निगम कर्मचारियों तथा बीपीएड एमपीएड बेरोजगारों की समस्याओं पर भाजपा सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया और उन्हें आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर किया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन कांग्रेस सरकार सत्ता में आने पर इन कर्मचारियों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने का काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की बैठक के बारे में कुछ कहूं उससे पहले मुझे आप सबको यह अवगत कराना है कि कल उन तमाम मुद्दों पर, चाहे वो हमारे दलित परिवारों का उत्पीड़न हो, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, कुशासन हो, भ्रष्टाचार हो, जिन मुद्दों का जिक्र आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने किया, इन मुद्दों को लेकर हम हमारे सामूहिक विश्वास के प्रतीक गांधी प्रतिमा के सामने उपवास के रूप में इन बातों का विरोध करने के लिए और अपनी मांगों को, जनता के हित में अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने के मकसद से कल बैठेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। अस्पतालों में हर साल बढ़ने वाले 10% सरचार्ज को स्थगित कर दिया गया है। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 कर दिया गया है। मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल तो उनके छुट्टियों में जोड़ा जाएगा। सरकार ने राज्य के सभी महाविद्यालयों में और हर विकासखंड के एक इंटर कॉलेज में करीब 214 पदों पर योग प्रशिक्षकों को आउटसोर्स के माध्यम से रखने का भी निर्णय लिया है। साथ ही अतिथि शिक्षकों में महिला कर्मचारियों को भी मातृ अवकाश देने पर सहमति बनी है। साथ ही साथ मसूरी के सेवाए होटल में हेलीपैड बनाने की अनुमति मिली है। तो मंत्रिमंडल की बैठक में आज 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। देहरादून से खबर आ रही है जहां पर मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है और 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वहीं एटा की जिला जेल में 6 कैदी एक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। संक्रमित कैदी 60 अन्य कैदियों के साथ बंद थे, जिसको लेकर हड़कंप मच गया। फिलहाल संक्रमित मरीजों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। आपको बता दें कि बैरिंग में करीब 60 मरीजों को जो बंद थे उनकी सैंपलिंग कराई गई है। जिलाधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी ने जिला कारागार का जायजा भी लिया है। जिला कारागार में सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है एटा से, जहां पर 6 आपको बता दें कि 6 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 6 कैदी कोरोना संक्रमित मिले हैं और इससे मुसीबत की बात यह है कि 6 कैदी 60 अन्य कैदियों के साथ बंद थे, जिसको लेकर जेल प्रशासन के अंदर हड़कंप मच गया, जिसके बाद फिलहाल संक्रमित मरीजों को क्वारंटाइन कर दिया गया है व अन्य जो 60 कैदी बंद थे उनकी सैंपलिंग कराई जा रही है और जिला कारागार में साथ ही साथ सैनिटाइजिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। गाजियाबाद की डासना जेल में प्रीमियम लीग का 10वां सत्र का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर जेल में कई तरह के खेलों का आयोजन भी किया गया। बता रहे हैं कि जेल में बंद कैदियों को अवसाद से बचाने के लिए इन खेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें शारीरिक दक्षता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसी सत्र में क्रिकेट, कबड्डी, अन्य प्रकार के खेलों का भी आयोजन किया गया है। सभी प्रकार के खेल कराए जाते हैं। कोविड-19 के अंतर्गत इन कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। सभी बंदियों का वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। पहली लहर, दूसरी लहर में भी जेल में कोविड-19 का कोई भी प्रकोप नहीं फैला था। 10 टीमों का चयन किया गया है। तो जिला जेल में प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। कैदियों को अवसाद से बचाने के लिए इस तरह के खेलों का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि कबड्डी, क्रिकेट, तमाम अन्य खेल भी अंदर खेले जाते हैं और ये सभी खेलों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए खेला जाएगा। आपको एक और जानकारी दे दें कि कोविड-19 की पहली लहर और दूसरी लहर में, दोनों ही लहरों में डासना जेल के अंदर कोरोना का कोई भी प्रकोप देखने को नहीं मिला था। देखिए, जेल में जो बंदी हैं उनके सुधार के लिए, उनको डिप्रेशन से बचाने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं, उनको इन्वॉल्व रखते हैं। उसी क्रम में अब जो खेल की शुरुआत आज हुई है, आज जेल प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई है जो 10वां सीजन है, इसमें कई प्रकार के खेल हम लोग कराते हैं जिससे कि बंदी सारे एंगेज रहते हैं उसमें।
और जैसा कि आप जानते हैं खेलों से एक तो स्वास्थ्य हम लोगों का बेहतर होता है, दूसरा एक प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न होती है जिससे कि एक दूसरे से बेहतर करने का एक प्रयास होता है और बंदियों के चरित्र में उससे काफ़ी सुधार आता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि खाली दिमाग जो बताया गया है कि शैतान का घर होता है, तो और डिप्रेशन भी उसी से पैदा होता है अगर आदमी खाली हो, तो उसको किसी ना किसी एक्टिविटी में एंगेज रखना हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है और उसमें खेल भी एक साधन है जो उनको व्यस्त रखता है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने आज ये खेल की जेल प्रीमियर लीग की शुरुआत की है। इसमें रस्साकसी, क्रिकेट और जैसे वॉलीबॉल, चेस, ये सब इस तरह के खेल हम लोग कराते हैं। एक महीना सभी बंदी इसमें एंगेज रहेंगे। हल्द्वानी के गोलापार स्थित सर्किट हाउस में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा नैनीताल के तत्वाधान में बैठक की गई, जहां बैठक का आयोजन किया गया। वो बैठक अध्यक्षता नैनीताल लोकसभा के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने की है। तो बैठक में नैनीताल जिले के जिलाधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष और सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि दिशा के अंतर्गत सभी विभागों की प्रगति रिपोर्ट, बजट और समस्याओं की समीक्षावार अध्ययन किया गया है। तो वहीं बैठक को लेकर लोकसभा सांसद अजय भट्ट का कहना है कि सभी विभाग अच्छे कार्य कर रहे हैं और कुछ एक जगहों पर छोटी खामियां सामने आई हैं, जिसके लिए जिलाधिकारी के माध्यम से उन्हें निर्देशित किया जा रहा है। वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए नैनीताल लोकसभा सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी चिंता जताई है। तो वहीं उन्होंने 31 को लेकर सभी को नए साल की बधाई देते हुए कहा है कि कोरोना काल से में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जिस प्रकार के एहतियात लोगों के द्वारा बरते गए हैं, उसी प्रकार के नियम जनता को पालन करने पड़ेंगे जैसे कोरोना काल के दौरान किए गए थे। 2021 में बैठक होनी आवश्यक थी हमारी, बीच में कोविड की वजह से, कई अन्य कारणों से, कहीं पर नैनीताल जिले में हमारा फ्लैट आ गया, मेरे लोकसभा में बहुत बड़ी आपदा आई थी, आपको पता है, ऊधम सिंह नगर और यहाँ, तो इस नाते से भी अधिकारी सब उस पर लगे रहे जी। आज अभी यहाँ पर नैनीताल की और 2 बजे बाद शाम तक ऊधम सिंह नगर की, दोनों जगहों की दिशा की बैठकें ले रहे हैं। तो ये निगरानी करता है सभी चीज़ों पर, तो हर चीज़ पर जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनकी स्थिति क्या है, सड़कों की स्थिति क्या है, पेयजल की स्थिति क्या है, PWD कैसा काम करती है, जल संस्थान, जल निगम, सिंचाई विभाग। वहीं हमीरपुर जनपद के राठ नगर में महाराजा गारमेंट में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इससे पहले भी करीब 10 वर्ष पहले, आपको बता दें कि एक और बार महाराजा गारमेंट में आग लग चुकी है जिसमें काफी नुकसान हुआ था। वहीं आज दोपहर एक बार फिर महाराजा गारमेंट में भीषण आग लगने से लगभग 5 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं हमीरपुर से ये तस्वीरें हैं जहां पर महाराजा गारमेंट में आग लग गई। आपको बता दें कि इससे 10 वर्ष पहले भी इसमें आग लग गई थी और आज एक बार फिर आग लगने के चलते 5 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। आगामी विधानसभा निर्वाचन को मद्देनजर रखते हुए नवीन गल्ला मंडी हरदोई में ईवीएम के लिए आरक्षित स्ट्रांग रूम खाली कराने को लेकर व्यापारियों व प्रशासनिक अधिकारियों में विवाद हो गया। प्रशासन का कहना है कि नोटिस के बावजूद भी व्यापारियों द्वारा स्ट्रांग रूम खाली नहीं किया जा रहा है। वहीं मंडी अध्यक्ष ने प्रशासन पर धमकाने का आरोप लगाया और मंडी में अनिश्चितकालीन हड़ताल कल से शुरू कर दी जाए कि ऐसा कहा है। एडीएम के द्वारा FIR दर्ज कराए जाने की बात कहते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। मंडी समिति अध्यक्ष ने आरोप लगाया है अभद्रता का और साथ ही साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी शुरुआत का बात कही है। एडीएम साहब अपने दलबल साथ आई थी मंडी में दुकान खाली कराने के लिए, चुनाव चल रहा है सो चुनाव दुकान खाली कराने के लिए, लेकिन यहाँ हजारों कुंटल माल बाहर पड़ा है, रोडों पर माल पड़ा है, सामने फेस बना नहीं है, तो रोड पर माल हटाने के लिए कह रही थी। तो हम लोगों ने कहा कि टाइम दे दीजिएगा थोड़ा बहुत, तो बोले टाइम नहीं, शाम तक जो नहीं हटवाया तो यहाँ JCB चलवा देंगे। और अभद्रता का प्रयोग भी किया, हमारे 2-3 लड़कियों की वो चालान भी किया गाड़ियों का और 1-2 आदमी को पकड़ भी ले गई, लेकिन हमसे बोली तुम्हारे नाम FIR कर देंगे और तुम्हारी दुकान सस्पेंड कर देंगे, तुमको यहाँ मंडी निकलवा देंगे
हमने ये भी कहा था कि आप टाइम दे दीजिएगा, हमने पहले भी बात हुई थी, हमने कहा चिन्हित करवा दीजिए उसके बाद खाली करवा लीजिएगा, लेकिन चिन्हित नहीं कुछ नहीं हुआ। इसमें व्यापारी बहुत आक्रोश है, यहाँ 2000 व्यापारी, कम से कम 2000 किसान व्यापारी सब टोटल आता है सेकेंड फेज में, उनको रहने के लिए कहीं जगह नहीं है, उन्होंने दुकानें भी नहीं दी, जिन्हें दुकानें दे देती तो कोई दिक्कत नहीं थी। आज दलबल के साथ आई थी सारी गुंडागर्दी के साथ और खाली करने उनको कही गई है, हमारे नाम एफ आई आर करने कही गई है, इसलिए हम लोग कल निश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं और शासन प्रशासन इसमें अवगत करा दिया गया है, आप लोगों को अवगत करा दिया गया है, आगे होगा तो देखा जाएगा। चुनाव के लिए दुकानें खाली कराने के लिए एडीएम साहिबा बता रही थी, तो हम लोग उनका दुकानें चिन्हित करा दीजिए, उसके बाद जो दुकानें हैं वो ले लीजिए, बाकी हमारा व्यापार चालू रहना चाहिए। लेकिन वो पूरा फेज टू बंद करना चाहती हैं, पूरा फेज टू बंद होने से हज़ारों व्यापारी किसान कर्मचारी भूखमरी के कगार पर पहुँच जाएगा, रोजी रोटी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और बाकी समस्याएँ यहाँ बहुत हैं, सांस से आदमी मरा जा रहा है, धूल गर्दा से मरा जा रहा है, शौचालय नहीं है, 20 बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, धान खरीद केंद्र चल रहे हैं, सेंटर चल रहे हैं, उनको नहीं हटवाना चाहती हैं, हमारा फेज टू बंद कराना चाहती हैं। इसलिए हम लोगों ने जब उनसे कहा मैडम हमें समय दे दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं समय नहीं, 24 घंटे मटाओ वरना JCB चलवा देंगे, और कहा कि तुम्हारी लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे, FIR दर्ज कर देंगे। इसलिए हम लोग बहुत प्रताड़ित हुए, अब मजबूरी है कि व्यापार बंद कर रहे हैं, अपनी मांग बनवाने के लिए शासन के सामने हमारे कोई चारा नहीं है, हड़ताल पर जा रहे हैं, प्रशासन को हमारी बातें सुननी पड़ेंगी, जब तक प्रशासन हमारी शर्तें नहीं मानता है तब तक हम लोग हड़ताल पर चलते रहेंगे, उसके बाद ही काम चालू करेंगे। मामला ये है कि आज सुबह ADM, सिटी मजिस्ट्रेट, CO, कोतवाल सब लोग मंडी परिसर में आए इलेक्शन के उपलक्ष्य में, जिसके कि उन्हें पीछे की मंडी का खाली कराने का कार्य के लिए आए, तो उसमें उन्होंने पीछे वाली मंडी को खाली कराने की काफ़ी हद तक कोशिश की, उन्होंने हम लोग को धमकाया कि आप गल्ला पीछे के ये फेस जो आपको दुकानें बताई गई उनको खाली कीजिए वरना आपके नाम FIR होगी, आपकी लाइसेंस सस्पेंड की जाएगी, आपको जेल में भी डलवाया जाएगा अगर कार्रवाई की जरूरत पड़ी तो। और उन्होंने बहुत ही अभद्र तरीके से व्यवहार किया हम व्यापारियों के साथ में और कुछ किसानों के साथ में भी, और जिसके कारण हमारी मंडी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, धन्यवाद।